नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या देश में जहां एक तरफ 29,000 से ज्यादा हो चुकी है, वहीं बिहार में अब आंकड़े और तेजी से बढ़ने लगे हैं। मामला जो है वह अब कई जिलों तक पहुंचने लगा है। पहले बताया जा रहा था कि 25 जिलों तक ये आंकड़े पहुंच चुके हैं, मामला पहुंच चुका है। संक्रमण की जो चेन है वो टूटने का नाम नहीं ले रही है। और अब 26वां जिला अररिया में भी एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने कर दी है। थोड़ी देर पहले संजय कुमार, जो कि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव है, उन्होंने ट्विटर के जरिए ये जानकारी दी है कि 13 और नए मामले बिहार में निकल के आए हैं। कुल संख्या अब 359 की हो गई है। और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे होंगे कहाँ कहाँ पर ये 13 मरीज हैं। ज़्यादातर जो मरीज हैं वो गोपालगंज कैमूर के रहने वाले हैं। वहीं एक और जमालपुर से पुष्टि हुई है। एक 42 साल के व्यक्ति में ये संक्रमण पाया गया है, जो जमालपुर का रहने वाला है। वहीं अगर हम अररिया की बात करें तो अररिया के कमलदाह से यह खबर निकल के आ रही है कि एक 28 वर्षीय युवक को भी इस संक्रमण ने जकड़ लिया है। तो अब तक 25 जिले इस संक्रमण के चपेट में आ चुके थे। कल ही की बात है जब मधुबनी की बात हुई थी, दरभंगा की बात हुई थी, पूर्णिया की बात हुई थी, इन सभी जिलों की जब बात हुई थी कि ये सभी जिले अब धीरे धीरे चपेट में आ रहे हैं। वहीं अब अररिया में भी कोरोना वायरस के संक्रमण ने दस्तक दे दी है और स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि भी की है। 13 और नए मरीज बढ़ गए हैं। जो आंकड़ा है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 359 तक जा पहुंचा है ये आंकड़ा। ग्राफिक्स के जरिए आप तस्वीर देख सकते होंगे। हालांकि अब तक बिहार में कुल 2 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जो ठीक होने वाले मरीज हैं उनकी संख्या अब 57 हो गई है और 300 केसेस अभी एक्टिव हैं। यानी उन 300 लोगों का इलाज इस वक्त चल रहा है। 2 व्यक्तियों की मौत हुई थी, एक वैशाली का रहने वाला था और एक मुंगेर का रहने वाला था। ऐसे में जब संख्याएं 300 से अधिक हो गई हैं एक्टिव जो मरीज हैं, जो इनका उपचार हो रहा है अस्पतालों में, ऐसे में अब और सतर्कता बरतनी होगी। खास करके अब जिलों के लोगों को हम ये कह रहे हैं कि जिन जिलों में अभी तक ये संक्रमण नहीं पहुंच पाया है, उन जिलों के लोगों से ये आग्रह होगा कि आप थोड़ा और सतर्क रहें, अपनी निगाहों को बनाए रखें। यदि कोई आदमी बाहर से आता है तो उसकी अच्छे से जांच हुई है या नहीं हुई है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप ज़रूर पता लगाएं। हालांकि खुद को सुरक्षित रखें, ज़्यादा घरों से बाहर ना निकलें। यदि आपके आस पड़ोस में कोई लोग बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा हो तो अच्छे से उसकी जाँच हुई हो या नहीं हुई है, इस बात की पता आपको ज़रूर होनी चाहिए। देखिए, ज़िले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। कल तक जो 25 जिलों में कोरोना ने पांव पसारा था, अब आज वो एक और जिला बढ़ गया है, 26वां जिला अररिया हो गया है। और आंकड़े जो है वो 359 तक पहुंच गए हैं। बार बार बिहार के जितने अधिकारी हैं, जितने मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपको सतर्क रहना होगा, गमछे से आप अपना मुंह ढक कर निकलिए। यदि सब्जी लेना हो, फल लेना हो, तो गाड़ियों का इस्तेमाल मत कीजिए। यदि बगल के बाज़ार में सब्जी और फल मिल रहा है तो आप जाइए, वहाँ से सीधा फल और सब्जी लेकर आइए, पैदल ही जाइए। और ज़्यादा घर से बाहर मत निकलिए, खास करके जो बुज़ुर्ग हैं घर के या जो घर के बच्चे हैं उन पर विशेष ध्यान रखिए इस आपदा के समय में। जब आंकड़े आप खुद देख रहे होंगे रोज़ हर दिन, कल अगर हम बात करें, कल एक दिन में 60 से अधिक संख्या में मरीज पाए गए हैं बिहार में, और देश में जो आंकड़ा है वो भी 29,000 से पार हो चुका है, 29,500 तक जा पहुँचा है। वहीं अब इस बात को लेकर सतर्क होना पड़ेगा कि आप अपने ज़िले में कितने अच्छे से रह रहे हैं। अगर हम कई जिलों की बात करें, सिवान की बात करें, मुंगेर की बात करें, राजधानी पटना की बात करें, तो पटना में भी बहुत सारे संक्रमित मरीज मिले हैं। आंकड़ा जो है वो ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे होंगे किस तरीके से, खास करके मुंगेर में जब 91 तक ये संख्या पहुँच गई है। अगर हम राजधानी पटना की बात करें तो पटना में भी 39 मरीज अब तक मिले हैं, हालांकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या मात्र 57 है। तो ऐसे में अब आपको और सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि 300 एक्टिव केसेस हैं। ये केसेस 300 पर ही समाप्त हो जाएं, इसमें ही आपकी भलाई है, समाज की भलाई है, पूरे देश की भलाई है। तो आपको सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि आप बचें, समाज को बचाएं, सभी को बचाएं, और ज़रूर वातावरण को साफ रखें, साफ स्वच्छता को अपनाएं, ताकि हम जल्द इस कोरोना वायरस महामारी को इस देश से हरा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।